ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಟೈಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ घर घर पानी का भी इंतज़ाम किया लेकिन हमने आपको कभी भी ना तस्वीरों में आप नज़र आए ना कोई न्यूज़ चैनल में नज़र आए लेकिन आपका मकसद क्या है जो आपने इतने सारे खिदमत अपने ज़ाती पैसों से जो है अपने साथियों को लेकर जो कर रहे हैं इसकी वजह क्या है और आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको ये शौक़ है या आपका एक कोई या सियासी मामला है या आप जो है कौम और अवाम की खिदमत करना चाहते हैं ज़रा हमें बताइए अफजल भाई। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया हमने अल्लाह इस काम में कबूल किया। ये काम तो ऐसे तो बहुत मालदार हैं ये मोहल्ले के अंदर ऐसे तो बहुत पैसे वाले हैं इन छोड़ कर भी अल्लाह हमने कबूल किया हमारे साथियों को कबूल किया ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारा तो शौक़ है खिदमत करना हमारा और हमारे साथियों का काम शौक़ है हमारा खिदमत करना। जी अफजल भाई आपने जो ऑक्सीजन दिया कितने ऑक्सीजन तक आपने इंतजाम किया था? ये तो हिसाब नहीं बोल सकते खाली एक अंदाज़ा बोल सकते हैं कि मतलब ऑक्सीजन आए भी और गए भी एक अंदाज़ा हम 400 से 450 के करीब हमें ऑक्सीजन सप्लाई किए हैं। जी अफजल भाई आप जो ऑक्सीजन का जो इंतज़ाम था क्या सिर्फ पाटनपुरा के हद तक था या दूसरे नहीं जो जो भी इलाके से आता है हमें किसी को भी नहीं को बोलते नहीं थे। आपकी नज़र में कौन से एरिया को आपने तकलीफ? हमें हमें हमारे एरिया से जैसे टायरी रोड है BTM लेविट है मुंडेडी पाड़ला है बहुत सारे बाहर के एरिया से गए हैं बहुत सारे बाहर के एरिया गए हैं कोरमंगला गए हैं नई दिल्ली को भी जरूरत दिए हैं हम लोग। जी अफजल भाई अभी जो आपने जो खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं ये कितने पैकेट का इंतज़ाम हो रहा है? जी 2000 पैकेट का पर डे इंतज़ाम है। जी कितने मन का खाना पकाना? रोज़ 4 मन का खाना पकता है। जी अब ये जो ऑक्सीजन का जो मामला था और एमिनेटर का जो मामला था पानी जो तकलीफ हो रहा है उसका मामला खाने का जो मामला है ये अपने ज़ाती पैसों से आप कर रहे हैं या आपके साथियों के साथ? नहीं नहीं ये जो भी है मेरे ज़ाती पैसों से ये जो है मेरे ज़ाती पैसों से। अभी ये लॉकडाउन तो कल ओपन होने वाला है क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या आज को? नहीं आज को हमारे आज को ख़त्म कर देना आज को ख़त्म। अफजल भाई इसके साथ साथ जो है आपके और कोई खिदमत है जो आपने खिदमत कर चुके हैं? नहीं अभी तो शुरू किया हूँ मैं ऐसे कोई खिदमत नहीं है मेरे अभी शुरू किया हूँ इंशाल्लाह अल्लाह आप दुआ कीजिए ऐसे खिदमत अल्लाह हमारे से लेते रहेंगे। आइंदा आप और कुछ खिदमत का? जी जब भी इस मोहल्ले को ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं हूँ मेरे हाथ से जो भी होगा मोहल्ले के तक मैं खिदमत के लिए रेडी हूँ मैं। जी आपने जो जो खिदमत कर रहे हैं जिसके तस्वीर आप नहीं लेते कुछ मीडिया को नहीं बुलाते इसका इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह थी दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं था फिर हमारे साथियों ने बैठ के डिस्कस किए हमारे करने से दूसरे भी करेंगे तो इसके लिए इस बार तस्वीर में आना पड़ा। जी ज़मीर अहमद खान साहब हल्का चामराजपेट के रुकन असम्बली हैं और आपके करीबी साथी हैं और वो जो खिदमत कर रहे हैं इनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बीजर ज़मीर अहमद साहब वो तो एक शेर हैं हमारी खुशनसीबी है वो हम जैसों के ऊपर वो MLA बन गए एक लीडर बन गए मुसलमानों के लिए और ये हमारे मोहल्ले की खुशनसीबी है जो बीजाबेट ज़बीर अहमद जैसे एक लीडर हमारे साथ में है ये हमारे मोहल्ले की खुशनसीबी है। और ऐसा कौन सा भी ऐसा हॉस्पिटल का काम रंदे या कौन सा भी काम रंदे हमें जो भी है बीजाट ज़मीर अहमद साहब हमारे MLA साहब के से ज़रूर काम होता हुआ हमें लेके गए तो कौन सा भी इनकार नहीं होता होता। जी जी ये जो हॉस्पिटल जो बीजा ज़मीर अहमद खान साहब ने जो नॉन कोविड हॉस्पिटल का जो मामला मन में आया था और बहुत सारे इलाज भी हो रहे हैं वहाँ पर आपकी खिदमत क्या थी? वहाँ मेरी खिदमत सिर्फ ऑक्सीजन की थी और रेगुलेटर की थी। जी कितने ऑक्सीजन का इंतजाम किया था आपने? उधर हॉस्पिटल में सिर्फ 25 सिलेंडर हैं उतने 50 बेड थे
ऑक्सीजन सिर्फ 25 ही थे उधर। अब कुछ कहना चाहते हैं आपके साथियों? नहीं नहीं, मैं अभी हमारे साथियों तो माशाल्लाह बहुत खिदमत गुजार जो जितने भी हैं, ये मैं वंटी का काम नहीं है, ये पूरा इनकी खिदमत है। ये वंटी से अफजल फाउंडेशन नहीं बना है, जितने भी हमारे खिदमत के साथी हैं इनसे बना है। ये जो चारमन का खाना भी जो 2000 आदमी जो खाना जो दे रहे हैं, ये भी इनकी मेहनत के नतीजा ही है, इन सब की मेहनत का नतीजा ही है। जी अफजल भाई, ये अफजल फाउंडेशन यहाँ तक रुक जाएगा या इससे आगे लेके? नहीं, इंशाल्लाह इससे आगे लेके जाएगा। अफजल फाउंडेशन नहीं रुकेगा।